हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एकदम ऐसा स्पेशल मशीन लेके आए, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन लेके आए आपके सामने, सुगर कैन मशीन विथ चिलिंग सिस्टम, नॉन इलेक्ट्रिक सुगर कैन मशीन, बिना बिजली से बिना पावर से चलने वाली, एकदम ठंडा वो चिल्ड जूस देने वाली सुगर कैन मशीन है। दोस्तों, टोटल ये मशीन बैटरी से ऑपरेट होने वाली है, पूरी कार्ट है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। दोस्तों, तो 2022 का सबसे लेटेस्ट मशीन है, सबसे एडवांस मशीन है। दोस्तों, एक ही मशीन से अंदर से सभी सुविधा दी है, बैटरी भी वहीं रहेगी, स्टोरेज भी वहां पे रहेगा। दोस्तों, वेस्टेज कचरा भी मशीन में गिरेगा, रॉ मटेरियल गन्ना भी आप ये मशीन के अंदर ही रख सकते हो दोस्तों, और एकदम ठंडा और चिल्ड जूस आप निकाल सकते हो बिना बिजली के बिना पावर के। दोस्तों, 220 वोल्ट का पावर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मार्केट में, एरिया में, रोड एरिया में, कहीं पे भी ले जाके आप अपना खुद का एक बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों, पूरी कॉम्पैक्ट साइज के अंदर पूरी काट बनाई है। दोस्तों, वन टाइम क्रशिंग वाली मशीन है, एक ही बार गन्ना डालना है और नल खोल के ठंडा और चिल्ड जूस आपके कस्टमर को सर्व करना है, आपके कस्टमर को पिलाना है। दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा दोस्तों, तभी आपको ये मशीन के बारे में नॉलेज और जानकारी मिलेगी कि मशीन में क्या क्या खूबी है, कैसे ऑपरेट होती है, कितना जूस ठंडा निकलता है मशीन में से। हम आपको इसका टेम्परेचर नाप के भी बताएंगे दोस्तों कि कितने टेम्परेचर का जूस आपको मशीन के अंदर से निकला है, कितना ठंडा जूस मशीन में से निकला हुआ है। दोस्तों, तो ये वीडियो के अंदर हम सारी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, प्लस ये मशीन के अंदर हमने ऑरेंज और मौसंबी का जूस मशीन भी लगा दिया। अगर आपको ऑरेंज मौसंबी का जूस भी बेचना है, बाजार में सेलिंग करना है, तो ऑरेंज मौसंबी जूस निकाल के भी आप बिजनेस कर सकते हो, गन्ने का भी जूस आप निकाल के बाजार में सेल कर सकते हो। दोस्तों, तो बहुत ही बेहतर मशीन है, आज की तारीख में सबसे लेटेस्ट मशीन है। तो चलिए दोस्तों, मैं मशीन की खूबियां और खासियत और क्या क्या फंक्शन है वो आपको वीडियो को स्टार्ट करके बताता हूँ। पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील से बनी है, आप देख सकते हो दोस्तों, कहीं पे भी लोहा या एमएसएम ने यूज नहीं किया है, टोटली स्टेनलेस स्टील से पूरी मशीन आप देख सकते हो। दोस्तों, पूरी मशीन का चारों साइड का लुक देख सकते हो आप मशीन का, ये साइड लुक है, ये मशीन का पीछे का लुक है, बैक साइड लुक है पूरा, ये आप देख सकते हो। पूरी मशीन हमने मूवमेंट करके आपको बताई है कैसा मशीन का लुक है। नीचे हेवी ड्यूटी व्हील्स लगाए, जो आप रोड एरिया है, मार्केट एरिया है, खड्डे वाला विस्तार है, कहीं पे भी आप इसको मूवमेंट करके हिलन चिलन कर सकते हो। प्लस मशीन के अंदर हमने क्या फैसिलिटी दी है, क्या खासियत दी है, यहाँ पे मशीन का सुगर कैन मशीन का यहाँ पे रॉ मटेरियल अटैचमेंट चिलर रहता है, जहाँ पे जूस ठंडा और चिल्ड हो रहता है। यहाँ पे नीचे बॉक्स दिया है, यहाँ पे गन्ने का स्टोरेज है, जो खाली गन्ना रहता है आप यहाँ पे लगा के स्टोर कर सकते हो। ये दरवाजा खोल के आपको बताता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये गन्ना आप यहाँ पे रख सकते हो, रॉ मटेरियल कच्चा गन्ना है, आप यहाँ पे रख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे ये गन्ने को आप स्टोर करके इसको बंद भी कर सकते हो, ऐसे आप बंद कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बैक साइड का लुक बताता हूं दोस्तों, पीछे की तरफ दरवाजे में हमने क्या फंक्शन दिए गए आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये पीछे का डोर है, यहाँ पे हमने डस्टबिन दिया है, जो गन्ने का कचरा जाता है वो यहाँ पे डस्टबिन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये डस्टबिन के अंदर यहाँ पे गन्ने का कचरा रहता है, वो यहाँ पे कचरा चला जाता है, आप देख सकते हैं पूरा। ये वेस्टेज बॉक्स है, यहाँ पे पूरा कचरा, यहाँ पे जो स्टोर रहेगा वो पूरा कचरा यहाँ से निकल जाएगा। ये अभी इसका डोर खुला है, इसका डोर ऐसे बंद हो जाएगा, ये डोर बंद हो जाएगा, और जो कचरा और वेस्टेज है वो यहाँ पे पड़ा रहेगा इसके अंदर। और नीचे की तरफ हमने यहाँ पे दो बैटरी लगाया हुआ है, मशीन इन्वर्टर से नहीं चलेगा दोस्तों, बैटरी के ऊपर मशीन चलेगा, नीचे हमने बैटरी लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं बड़ा बैटरी, 60-60 एम्पियर का दो बैटरी हैवी ड्यूटी लगाया है। 10 से 12 घंटे तक आप मशीन के अंदर से बिजनेस कर सकते हो, वो पर वर्किंग डे। सुबह आप 10-11 बजे बिजनेस खोलते हो, तो रात को 7-8 बजे तक ये बैटरी के अंदर से आप बैकअप ले सकते हो, बिजनेस कर सकते हो इसके अंदर। प्लस दोस्तों, आपको जब बैटरी इसका खत्म हो जाता है दोस्तों, बैटरी पूरा हो जाता है, तो इसको बैटरी को निकालने का जरूरत नहीं है दोस्तों। ये बैटरी के अंदर हमने अंदर ही चार्जर लगा दिया है, जिससे आप ये प्लग लगाएंगे, ये प्लग दिया, ये प्लग लगा के आप बैटरी को चार्ज कर सकते हो दोस्तों। ये आप देख सकते हो, सीधा 220 में पावर देके बैटरी को 5-6 घंटे के अंदर पूरा बैटरी वापस जैसा था वैसा फुल चार्जिंग है, पावर लगा के आप कर सकते हो। मशीन को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे हमने बटन दिया है ऑन ऑफ का, रिवर्स फॉरवर्ड का, आप रिवर्स और फॉरवर्ड यहाँ से आप कर सकते हो। ये बटन दबाने से मशीन चालू है, आप देख सकते हैं अभी आवाज आ रहा है, यहाँ पे इसका रोलर घूम रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये मशीन चालू हो गई है। इसको कोई भी तार लगा नहीं है, आप देख सकते हो दोस्तों, ये तार छूटा हुआ है पूरा, कोई भी पावर या तार हमने दिया नहीं है फिलहाल मशीन में। प्लस हमने गन्ने में से कितना मशीन में से जूस ठंडा निकलेगा उसके लिए यहाँ पे मीटर दिया है, आप देख सकते हो कितना टेम्परेचर है, अभी 0 टेम्परेचर का डिग्री है इसके अंदर, अभी 0 का सेल्सियस का टेम्परेचर दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
फिलहाल अभी इसके अंदर हमने पानी फिल किया, इसलिए इसमें से अभी पानी निकल रहा है। ये आप देख सकते हैं एकदम ठंडा और चिल्ड पानी निकल रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लाइन आ रहा है, यहाँ पे ठंडे का लाइन जम रहा है पूरा। आप देखिए पूरा ये पूरा लाइनिंग चीलने से उसकी वजह से यहाँ पे पूरा लाइन जम रहा है पूरा। ये ठंडक का आपको मालूम होगा कि कितना ठंडा और चील अंदर से पानी निकल रहा है। फिलहाल आपको मालूम यहाँ से दिख जाएगा इसके अंदर दोस्तों। ये आप देख सकते हैं पूरा अभी हम इसमें से मशीन में से जो गन्ना लिया है वो गन्ना लगा के आपको गन्ने का जूस निकाल के मशीन में से बताएंगे। जो अभी शुगर केन हमारे पास पड़ा हुआ है इसमें से शुगर केन मशीन हम लेके सबसे पहले अंदर से जो पानी जितना पड़ा है उतना पानी निकाल लेते हैं अंदर से। आप देख सकते हैं ये पानी अभी हम निकाल के वेस्टेज कर रहे हैं इसका। जो लाइनिंग में पानी भरा हुआ है अभी हम पूरा पानी निकाल लेंगे, उसके बाद गन्ना डाल के गन्ने का जूस आपको एकदम चील और ठंडा कैसा निकलता है वो निकाल के बताएंगे आपको दोस्तों। अभी हम गन्ना यहाँ से लगाएंगे, मशीन को स्टार्ट करेंगे। ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है, अभी हम इसमें से हम गन्ना लगाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों ये गन्ना लग चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। नॉर्मल वाला अभी हमने गन्ना डाला है वो एकदम चील और ठंडा होकर जूस निकलेगा उसका गन्ने का। आप देख सकते हैं अभी हम गन्ना लगा रहे हैं इसमें से। अभी पानी जितना लाइन में पड़ा है उतना पानी निकलेगा मशीन में से। आप देख सकते हैं पूरा अभी हमें गन्ना लगा रहे हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं लाइन में गन्ना लगा रहे हैं। अभी लाइन में से पानी आ रहा है इसके अंदर से, आप देख सकते हैं पूरा। ये जूस चालू हो गया, आप देख सकते हैं दोस्तों कलर चेंज हो गया इसका। अभी इसके अंदर से गन्ने का जूस निकलेंगे, आप देख सकते हैं पूरा एकदम चील और ठंडा। ये आप देखिए जूस निकलना चालू हो चुका है एकदम। मशीन को बंद कर देंगे दोस्तों, ये आप देखिए पूरा एकदम चील्ड और ठंडा गन्ने का जूस तैयार हो चुका है आपका दोस्तों। बाजार में इस तरह का गन्ने का जूस एकदम ठंडा और चील्ड निकाल के आप आसानी से सेल कर सकते हैं दोस्तों। आप देखिए पूरा एकदम ग्रीन कलर का जूस निकल रहा है इसमें से, आप देखिए पूरा। और यहाँ पे हमने इसका लाइन भी देख सकते हैं पूरा कितना चील्ड और ठंडा जूस आ रहा है। आप अगर रूबरू होते तो टेस्ट करके पी के भी चेक कर सकते थे कि कितना चील्ड और ठंडा जूस निकल रहा है इसके अंदर से। ये आप देख सकते हैं दोनों ग्लास हमने यहाँ पे भर के रखे हुए है, एकदम चील्ड और ठंडा जूस है एकदम। और दोस्तों ये कार्ट को आप कहीं पे भी ले जाके मूवमेंट भी कर सकते हो दोस्तों, इसको कहीं पे भी आपको मूवमेंट करना है ले जाना है इसको, आसानी से इसको मूवमेंट कर सकते हो। आप देख सकते हैं पूरा एकदम आसानी से इसे मूवमेंट कर सकते हो। और इसको चील और ठंडा करने के लिए हमने यहाँ पे इसका टैंक दिया गया दोस्तों। ये जो टैंक है यहाँ पे हमने टैंक दिया, इसके अंदर हमने आइस फिल किया, आप देख सकते हैं। अगर आपको आइस निकाल के ऊपर से भी ठंडा डालना है गन्ने के जूस के अंदर और ज्यादा ठंडा चाहिए तो यहाँ पे आप इसके अंदर आइस भी डाल सकते हो, इसे आइस क्यूब भी डाल सकते हो। इसे आइस क्यूब वाला भी एकदम ठंडा और चील्ड जूस अपने कस्टमर को आप सर्विंग कर सकते हो, दे सकते हो। ये पानी जरा भी एक भी बूंद जूस के अंदर नहीं जाएगा दोस्तों, यहाँ से खाली गुजर के बाईपास होके यहाँ से बाहर निकल के आपको एकदम चील्ड और ठंडा जूस निकाल के देगी मशीन पूरी। और जो वेस्टेज पानी का जो रहता है दोस्तों, ये पानी जो वेस्टेज है, जो कचरा है, खराब पानी गिरता है, इसका नीचे बाउल रहता है दोस्तों, तो वो सीधा बाउल में जाके आपका शॉप खराब नहीं होगा, ये बाउल के अंदर सीधा पानी आ जाएगा। ये पूरा डोर है इसका,
यहाँ पे इसका आपका जो भी वेस्टेड पानी है यहाँ पे आके गिर जाएगा इसके अंदर। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की 2022 का सबसे लेटेस्ट मॉडल दिया है बाजार में। हमारे कस्टमर हमारे व्यूअर्स रिक्वायरमेंट करते थे कि हमारे को बाजार में रोड एरिया जहाँ पे मार्केट में बिजली पावर अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पे हमारे को गन्ने जूस का बिजनेस करना है, वो भी चील और ठंडा एकदम जूस का बिजनेस करना है दोस्तों। तो उसके लिए हमने स्पेशली ये कार्ट को तैयार किया है कस्टमर की डिजाइन के ऊपर, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी मशीन को क्रिएट की है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी की मशीन की ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी, प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है, डिलीवरी कैसे मिलेगी, हर एक जानकारी के लिए डॉल्फिन अप्लायंस में एक बार जरूर कांटेक्ट करें। प्लस यहां पे हमने इसको छत्ता लगा दिया, आप देख सकते हैं पूरा मूवमेंट वाला हेवी ड्यूटी छत्ता लगाया है, आप देख सकते हैं, जिससे आपको धूप या कोई कस्टमर आएगा तो पीने आएगा तो धूप नहीं लगेगी उसको, वहां पे खड़ा रहकर आसानी से जूस पी सकेगा दोस्तों। तो इसके हिसाब से हमने यहां पे पूरा ये छत्ता लगा दिया है। तो इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी की मशीन्स के लिए डॉल्फिन अप्लायंस में कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।